हाँ तो मैंने आपको बताया कि कल सुबह मेरी है ड्यूटी, तो 6 बजे मुझे गेट के ऊपर ड्यूटी पे जाना है। तो अभी टाइम है रात के 1:41, मतलब 2 बजे के करीब टाइम है अभी, आप देख सकते हो। और अभी तक नींद नहीं आ रही, और ये काफ़ी कॉमन बात है मेरे लिए। जब भी मुझे कोई काम होता है, या जब भी मैं सोचता हूँ कि चलो आज जल्दी सोते हैं, तो उस दिन पक्का नींद नहीं आनी होती है। तो रात के 2 बजे करता हूँ मैं ब्लॉग की शुरुआत। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पिगरेवाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर से कोशिश करूँगा सोने की, क्योंकि सुबह टाइम पे उठना है और बाहर जाना है। तो कोशिश करता हूँ फिर दोबारा से सोने की। हाँ तो बहुत ज़बरदस्त नींद आई, और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती मैंने अपने आप को उठाया। अभी 6 बजे का टाइम है, और अफसोस की बात कि नेस्कैफे भी फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है घर में। और नेस्कैफे या चाय, चाय तो पहले ही ख़त्म थी, तो नेस्कैफे भी ख़त्म है। तो चलो कोई बात नहीं, जब भी दुकान बाहर कोई खुलेगी तो वो तो मैं ले आऊँगा। कल सोते सोते काफ़ी लेट हो गया था, और मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी, फिर उसके बाद सोते सोते 3 बज गए, और 5:30 बजे आज मैं उठ गया हूँ। तो अभी टाइम ऑलमोस्ट 6 बजे का है, तो अभी चलते हैं बाहर गेट पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फिलीपीन। हाँ तो ड्यूटी वाली जगह पे मैं पहुंच गया हूँ, मास्क पहन लिया है, और यहाँ पे बैठना है। मतलब कोई भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो मुझे सैनिटाइज़र करने हैं उनके हाथ, और देखते हैं कैसा दिन जाता है। तो अभी तो मैं जस्ट आया हूँ, बैठा हूँ। जो साथ वाला बंदा है वो तो अभी तक नहीं आया, आ जाएगा शायद, तो वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूँगा। बहुत लंबे टाइम के बाद आज मैं टाइम पे उठा हूँ और सूरज को देखा, मतलब इतने टाइम पे उठ के, क्योंकि टाइम है अभी 6:15 का, मतलब 6:10-15 ही अभी हुए हैं। बहुत टाइम के बाद मैं टाइम पे उठा हूँ थोड़ा सूरज के साथ। हाँ तो अभी टाइम है चाय का, तो जस्ट अभी वो मुझे चाय दे के गए हैं सोसाइटी की मेंबर। तो अभी मैं पीऊँगा चाय, और वीडियो को फुल डे कंटिन्यू रखूँगा, और आपको पूरा दिखाऊँगा आज का कि कैसा दिन गुजरा। बने रहिए वीडियो पे। हाँ तो अभी टाइम है सुबह के 8:30, और मेरा प्लान है थोड़ी नेस्कैफे पीने का। तो नेस्कैफे घर में फिनिश थी, तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा लेने जाता हूँ बाहर, और चलते हैं बाहर। नेस्कैफे, नेस्कैफे ट्विंस, ट्विंस ओरिजिनल। हाँ तो अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में वैसे तो ये काफ़ी कुछ लेके आए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अंडे और मैगी और राइस लिए हैं। ये ड्राई फिश और बीफ और भी काफ़ी कुछ लेके आए हैं। तो अभी करता हूँ ब्रेकफास्ट, तो बाद में करते हैं बातचीत।
जे बंदे बेच रहे हैं चिकन और बीफ, मतलब हर घर से जाके पूछ रहे हैं अगर किसी को ज़रूरत है उन्हें ये बेच रहे हैं। बहुत से लोग ले भी रहे हैं वैसे, पहले जो हमारी सोसाइटी के बाहर भी आए थे एक दो जनों ने इनसे ख़रीदा। ये भी अच्छी बात है, मतलब घर घर हर घर में जाके पूछ रहे हैं। हाँ तो दिन काफ़ी बोरिंग सा है, कुछ ज़्यादा खास लोग बाहर जा नहीं रहे, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आ जा नहीं रहे। सुबह से मतलब दो या तीन लोग ही वापस आए हैं जाके बाहर, तो कुछ खास ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो भी जाके आता है उसके हाथ इससे धुलवाते हैं। बाकी मेरे साथ वाले बंदे अंदर गए हैं, ये कुया है मेरे साथ अभी, बस ये सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे। गौर फरमाइएगा, ऑफिसर्स ऑफ द डे, यहाँ पे दिनों के हिसाब से लोगों के नाम रखे लिखे हैं कि कोई किस किस की किस दिन ड्यूटी है, लेकिन मेरा नाम यहाँ पे नहीं है वैसे। गौर फरमाइएगा, ऑफिसर्स ऑफ द डे। तो आप लोगों को बोर करने के लिए एक अजीब सी चीज़ और दिखाता हूँ। जिस हमारी सोसाइटी के बाहर एक आम का पेड़ है जो आम से भरा पड़ा है, यहाँ पे एक आम का कलर आधा ऑरेंज है और आधा ग्रीन है। तो समझ में नहीं आया कि सारे पेड़ में से सिर्फ एक आम का कलर जो है वो ऑरेंज कैसे है। तो टाइम है दोपहर के दो, ऑलमोस्ट दिन गुजर गया है, बस 3-4 घंटे और हैं, और अभी स्टार्ट हो रही है चेस। यहाँ पे लोग चेस खेलने लगे हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब टाइम पास के लिए, क्योंकि 3-3 जने की ड्यूटी है, और मुझे लगता था कि 2-2 जने की ड्यूटी है, लेकिन 3-3 जने की ड्यूटी है हमारी। और ये सारा टेम्परेरी सिस्टम लगाया है यहाँ पे कि कोई एंटर ना हो, वैसे ये सारा ओपन है लेकिन अभी के लिए टेम्परेरी है, ये सारा कुछ बंद किया हुआ है कि कोई एंटर ना हो जाए। बाकी दिखाता हूँ अंदर। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, टाइम है रात के 9:30, और एक अजीब बात हुई मेरे साथ आज। 4 बजे तकरीबन, 4 बजे मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, और मैंने सोचा कि चलो फ़ोन को चार्ज पे लगा देता हूँ, और मैं घर आया, फ़ोन को चार्ज लगाया और फिर से मैं वापस चला गया गेट पे, और आधे घंटे बाद मतलब 4:30 मैं फिर से दोबारा वापस आया घर में, और फ़ोन को उठाने मैंने सोचा कि चलो वीडियो को और कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि लोग अभी आ जा रहे थे काफ़ी, तो वीडियो और बनाता हूँ, मतलब किस तरह से हाथ धोते हैं सारा कुछ दिखाता हूँ आपको। तो हुआ क्या, जब भी मैं घर में वापस आया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा ही नहीं, मतलब चार्ज पे मैंने पिन लगा दी, और जाते वक्त शायद मुझसे ही उसका प्लग शायद हिल गया, जिस वजह से फ़ोन चार्ज ही नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, और उसके बाद 6 बजे जब भी ख़त्म हुआ सारा कुछ, तो मतलब 6 बजे जहाँ पे जो बाहर का गेट है उसे क्लोज कर देते हैं, मतलब लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी है तो खोल के जा सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के हिसाब से क्लोज कर देते हैं। तो ख़त्म हुआ सारा कुछ, मैं वापस आ गया 6 बजे, और नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। आपको बताया कि लास्ट नाइट मैं सो नहीं पाया, मतलब नींद नहीं आई टाइम पे, तो काफ़ी लेट सोया था, इसीलिए 6 बजे मेरे को बहुत नींद आ रही थी, और उसी वक्त आया, हाथ मुँह धोया और मैं जल्दी से सो गया, और इतनी अच्छी और गहरी नींद आई कि रात को 9 बजे मुझे मेरी वाइफ कैथरीन ने उठाया, और खाना वाना बना के उसने सारा कुछ रखा था, बोली कि उठो जल्दी से खाना खाओ क्योंकि रात को फिर से सोना है। तो फिर मैं उठा, अभी खाना ख़त्म किया है, और मैंने सोचा कि चलो वीडियो को पहले कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि जो आप लोगों के लिए जल्दी से अपलोड कर दूँ। और कुछ इस तरह से दिन रहा, दिन काफ़ी अच्छा रहा, मतलब थोड़ा सा बोरिंग भी था लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था। अच्छा इसलिए था क्योंकि लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, इस सोसाइटी के स्पेशली। तो जब भी हम मतलब 3-3 जनों की ड्यूटी लगती है, तो जब भी हम वहाँ पे थे तो लोग सुबह से ही स्टार्ट हो गए थे, मतलब पहले नेस्कैफे कोई लेके आ रहा है, कोई पॉपकॉर्न बना के लेके आ रहा है, कोई पकौड़े बना के लेके आ रहा है। एक हैरानी की बात, एक लड़की ने इंडियन स्टाइल पकौड़े बनाए, वो 4:30 शाम को लेके आई थी। तो मैंने सोचा था कि चल मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं फ़ोन घर में लेने आया था, लेकिन फ़ोन चार्ज ना होने के कारण मैं वीडियो वो नहीं बना पाया। उसने YouTube से देख के इंडियन स्टाइल पकौड़े बनाए,
उसने कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारी ड्यूटी है, तो मैंने सोचा कि मैं इंडियन स्टाइल पकौड़े बनाती हूँ। मतलब उसने कहा कि मैं पहले भी एक बार बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे, और आज उसने बनाए और काफ़ी टेस्टी थे। तो मैं वीडियो बनाना चाहता था, सिर्फ एक फ़ोन की बैटरी लो होने के कारण मैं उस मोमेंट की वीडियो नहीं बना पाया। तो काफ़ी अच्छे बनाए थे उसने पकौड़े। और उसके अलावा मतलब और भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बना बना के वहाँ पे लेके आ रहे थे। तो इस तरह से मतलब उन्होंने मौका ही नहीं दिया घर में आके खाना खाने का, मतलब सब कुछ वहीं पे आ रहा था और लोग काफ़ी अच्छे थे। तो दिन अच्छा रहा। मतलब वीडियो मुझे पता है थोड़ी बोरिंग टाइप है, लेकिन फिर भी होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन सबसे ज़रूरी है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन उसी वक्त टर्न करके आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख सको। बाय।